क्या रियल स्टेट के बिजनेस में लक इंपॉर्टेंट होता है? बहुत सारे लोग बहुत दिनों से ये सवाल पूछ रहे हैं, कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर क्या लकी होना चाहिए रियल स्टेट में? क्या लक जिसका अच्छा होता है वही बिजनेस कर सकता है? क्या वही प्रॉफिट बना सकता है? तो आज इस क्वेश्चन का डिटेल आंसर आपको मिलने वाला है। एक लाइन में मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर सही जगह पे, सही समय पे, सही लोगों के साथ, सही लोकेशन पे और सही नेटवर्क के साथ अगर आप काम कर रहे हैं रियल स्टेट इंडस्ट्री में विद राइट नॉलेज एंड स्किल, और उसके बाद अगर आपके पास नॉलेज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और गवर्नमेंट पॉलिसीज का, तो आप लकी हो सकते हैं। सर इतना लंबा समझ में नहीं आया, टेंशन मत लीजिए, पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं डॉक्टर अमोल मोरे, रियल स्टेट कोच, रियल स्टेट ट्रेनर, रियल स्टेट ऑथर, एंटरप्रेन्योर, अपने एक्सपीरियंस के साथ 100 से ज्यादा रियल एस्टेट सीईओ से बात करने के बाद, 2000 से ज्यादा रियल एस्टेट एजेंट से बात करने के बाद, कम से कम 500 रियल एस्टेट इन्वेस्टर से बात करने के बाद, आपको लक की डेफिनेशन रियल एस्टेट में क्या हो सकती है ये कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया हूं, मेरी पूरी टीम लेकर आई है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो आपको समझना, जब आप लक की बात करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, तो उसकी सबसे पहला पैरामीटर है राइट टाइमिंग। हाँ, अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सही समय पर एंट्री करते हैं तो लक में से 20% आपका अचीव हो गया। सही टाइमिंग बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है एज अ बिल्डर, एज अ डेवलपर, एज एन इन्वेस्टर या एज एन एजेंट भी। एज अ बिल्डर, अगर आप सही समय पे जब कोई एरिया डेवलप होने जा रहा है, अभी होने का है, वहां प्रॉपर्टी बना लेते हैं और रेट 2x या 3x होने के बाद प्रोजेक्ट करते हैं, तो कई गुना प्रॉफिट होता है। लेकिन आप एकदम बहुत तेजी के मार्केट में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फिर स्कीम बना के बेचते हैं, तो शायद आपको कम प्रॉफिट होता है। एज अ डेवलपर, आपने 5 साल पहले ही ऐसा एरिया प्रेडिक्ट कर लिया सही टाइम पे कि ये एरिया आगे ग्रो हो सकता है, वहां 5 एकड़ जगह ले ली, 3 साल बाद लेआउट किया, प्रॉफिट डबल ट्रिपल 4x भी हो सकता है। टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर सही समय पर आपने सही टाइम पर एंट्री कर ली तो आप लक में से 20% रियल एस्टेट का आपने अचीव कर लिया। दोस्तों दो बार रियल एस्टेट में देखा गया पूरे भारत में, एक जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और दूसरा जब लॉकडाउन आया था, तब एक लेवल पे रियल एस्टेट के प्राइसेस या तो रुक गए थे या तो नीचे भी आए थे। अब सवाल ये है, किसने 2005 में लिया, 2007-08 तक थोड़ा सा प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ा, उसके बाद रुक गया या तो नीचे आ गया, उसे रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं मार्केट में, भाव नहीं मिल रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा। लेकिन कोई व्यक्ति ने रिस्क लिया और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद किसी प्रॉपर्टी को 25% कम कॉस्ट में खरीदा, अब एक तो मार्केट बाउंस बैक हो गया, मार्केट के प्राइस फिर से ऊपर आ गया तो 25% का फायदा हुआ, दूसरा 2 साल बाद 3 साल बाद अगर एक्स्ट्रा 7-8% भी बढ़ा पर ईयर, तो ये 25% का जो लोअर बाइंग रेट था और 8-8% यानी 16% 41% का प्रॉफिट हुआ 2 साल के अंदर। तो किस टाइमिंग पे आपने मार्केट में रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी में एंट्री की, और वैसा ही हुआ लॉकडाउन में भी, एक समय जब लोगों को 3-4 महीने तक लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत डर था, वो सिक्योर्ड फील नहीं कर रहे थे, तो वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं ले रहे थे, पर उसी समय कुछ बड़े इन्वेस्टर बहुत कच्चे रेट में, बहुत लो रेट में प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, ये हुआ टाइमिंग का लक, 20% ही पहुंचे यहां तक। सेकंड, राइट नॉलेज एंड राइट स्किल्स। अब अगर आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, पैसे तो है पर नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन की समझ नहीं है, बाइंग की समझ नहीं है, निगोशिएशन की समझ नहीं है, कहां से कैसे सही व्यक्ति को ढूंढे, लोकल अच्छे मार्केट में पकड़ रखने वाले ब्रोकर्स आपके पास नहीं जो सही प्रॉपर्टी सही रेट में आपके पास लेकर आए, तो भी आपको रियल एस्टेट में लकी नहीं हो सकते है आप। अगला 20% लक में अचीव करना है तो सही नॉलेज और सही स्किल, हर वो स्किल जो जरूरी है रियल एस्टेट में अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए, एज अ बिल्डर, डेवलपर, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर या एज अ एजेंट, किसी भी तरह से एज एन इन्वेस्टर आपको एक्वायर करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सही नॉलेज जब आप लेते हैं और उसे प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे वो आपकी स्किल में कन्वर्ट होता है, और अब जब राइट टाइमिंग के बाद आपके पास सही नॉलेज और सही स्किल होता है, तो 40% लक को आपने अट्रैक्ट कर लिया रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में। थर्ड तरीका जिससे आप और लकी बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोस, बहुत न्यू इनोवेटिव वीडियोस रिलेटेड में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपके लाइक करने से हमारी टीम को एनर्जी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है और ज्यादा अच्छा प्रैक्टिकल कॉन्टेंट आपके लिए लेकर आने। पॉइंट नंबर 3, राइट पीपल, राइट नेटवर्क एंड राइट रिलेशनशिप बिल्डिंग। ध्यान से समझना, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास सही लोग होते हैं, सही लोग जो आपको मदद करते हैं अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, सही लोग जो आपको सही प्रॉपर्टी दिलाने में मदद करते हैं, या आपके टीम में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटीज रखते हैं, बहुत अच्छी स्किल रखते हैं और आपके बिहाफ में बहुत अच्छा काम करते हैं, सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स अगर अवेलेबल है, अगर आप एक एंटरप्रेनर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप एक इन्वेस्टर है आपके अच्छे ब्रोकर अवेलेबल है बहुत अच्छी बात है, अगर आप एक ब्रोकर है और आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज अच्छी इन्वेस्टर्स की है तो भी बहुत अच्छी बात है। लक तब होगा जब सही लोग आपके साथ होंगे और सही नेटवर्क आपका होगा, आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है दोस्तों। आज के जमाने में अगर सही नेटवर्क आपके पास है तो आप बहुत बड़ा नेटवर्क बहुत जल्दी बना सकते हैं। और अब आता है राइट रिलेशनशिप।
दोस्तों आज के जमाने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र इस इंडस्ट्री का है, सही रिलेशंस को मेंटेन करना। क्या आपके अंदर वो स्किल है? क्या आपके अंदर पीपल हैंडलिंग, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स है? क्या आपके अंदर इमोशनल कनेक्ट बनाने की एबिलिटी है? क्या आप लोगों के साथ वैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो कि वो आपको सिर्फ जरूरत के समय पर नहीं, हर समय पर आपको याद करे, आपके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखे, तभी जाकर आप अपने इन्वेस्टर्स, बिल्डर, डेवलपर्स के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर आप एक बिल्डर डेवलपर अपने क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं तो कई बार एक ही क्लाइंट आपके साथ बार बार परचेज करता है, रिपीटेटिव बाइंग होती है, रेफरल बाइंग भी मिलती है। तो दोस्तों ये था तीसरा लक का पैरामीटर। अब 60% आप लक तक पहुंच गए और बचा हुआ 40% जानने के लिए पॉइंट नंबर 4 आपको समझना पड़ेगा, राइट लोकेशन। सही समय पे सही नॉलेज के साथ सही लोगों से जुड़कर अगर आपने राइट लोकेशन पे इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट में लोकेशन से पावरफुल और कुछ नहीं है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अगर आपको लोकेशन को समझना, लोकेशन को पहचानना, लोकेशन को जानना, लोकेशन पे क्या ग्रोथ मिलने वाली है, ये एबिलिटी समझ में आ गई, वो कब होती है? जब सही समय पे एंट्री करते हैं, सही नॉलेज के साथ एंट्री करते हैं, सही स्किल आपके पास है और ऐसे लोग हैं जो आपको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ऐसा नेटवर्क है जो सही जगह पे इन्वेस्ट करता है मिलजुल कर, या ऐसे रिलेशनशिप आपने बिल्ड किए कि लोग आपको सच में दिल से प्रॉफिट दिलाना चाहते हो, तब जाकर आप राइट लोकेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर राइट लोकेशन को ढूंढने का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि आप ये आइडेंटिफाई कर सको कौन सा नेक्स्ट लोकेशन सबसे हॉट होगा, कहां ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कहां बड़े लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन से कारण की वजह से कहां वहाँ बहुत बड़ा हाईवे आ रहा है, एक्सप्रेसवे आ रहा है, स्टेडियम आ रहा है, 5-स्टार होटल आ रहा है, बड़ी टाउनशिप आ रही है, 500 चीजों की स्टडी करके या ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए तो भी आप लकी हो सकते हैं। अब 80% लक तक आप पहुंच गए। 5th, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये अगर आपको आ गया तो आप सुपर लकी हो जाएंगे। अगर आपको समझे कि कितना पैसा डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है, किस रेशियो में इन्वेस्ट करना है, और अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज का नॉलेज है या गवर्नमेंट के अच्छे लोगों के साथ आपके अच्छे रिलेशंस है और आपको पता चलता है कि कहां से कौन सा प्रोजेक्ट जाने वाला है, कहां से कौन सा नया बाईपास आ रहा है, कहां से नया एक्सप्रेसवे आ रहा है, कहां पर गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा स्टेडियम आ रहा है, कहां गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा रेसिंग ट्रैक आ रहा है, तो जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज का नॉलेज बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको आ गया, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग आ गई कि कब कितना पैसा लगा है, नहीं लगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज का नॉलेज आ गया, तो ये 5 चीजों को कंबाइन करके आप सुपर लकी बन सकते हैं और रियल एस्टेट से बहुत पैसा बना सकते हैं, बहुत सफल हो सकते हैं। लेकिन ये सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, किसी एक्सपर्ट के साथ काम करना पड़ेगा। लकी वो होता है जो सही लोगों के साथ, वो लोगों में कौन कौन आते हैं, आपके साथ कोई एक्सपर्ट है क्या, कोई ट्रेनर है, कोई कोच है, कोई मेंटर है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हो, तो भी आप बहुत लकी बन सकते हैं, सुपर लकी बन के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है हम आपकी मदद कर सकते हैं तो नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया होगा। अगर आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, तो आरजीसी सीईओ कोचिंग का फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आरजीसी इन्वेस्टर कोचिंग का फॉर्म भर सकते हो। अगर आप एक एजेंट है, ब्रोकर है, चैनल पार्टनर है, तो आप आरजीसी चैंपियन ट्रेनिंग का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, बताएगी कि कैसे आप हमारे साथ काम करके और सुपर लकी बन सकते हो और रियल एस्टेट में आप बहुत ग्रोथ कर सकते हो। अभी तक अगर आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ गया तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट लगा जरूर कमेंट करके बताइए। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट कीजिए। हमें बहुत प्यार देने के लिए, बहुत सपोर्ट करने के लिए, इस चैनल को इंडिया का लीडिंग नंबर 1 रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए और हमारी बुक रिलेटेड गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।